और ये है तमिलनाडु का निकन। आपने एक बैठा हुआ है कि मंकी बैठा हुआ है वो, और एक लेपर्ड। कहाँ ऊपर ऊपर नहीं दिख रहा, दो दो टाइगर भी, टाइगर दोनों बैठे। ये देखो हाथी दिख गई। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मैं इस पर चढ़ गई पूरी तरह से। जूहू लिखा होगा इसमें, बाबू बने। हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और नौवा महीना मतलब मेरा नहीं, मतलब सबका नौवा महीना चल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, अरे तो सितंबर 9 महीने है, नौवा महीना है सितंबर, इसमें क्या। और सितंबर में आता है मेरा बर्थडे, सो चल रहा है मेरा बर्थडे वीक। और प्लान बना है कहीं इस बार बर्थडे घर पे नहीं मनाना है मुझे, तो मैं जा रही हूँ सड़क पे, थोड़ी ना मनाना है। बेंगलोर से निकल के मैसूर रोड पकड़ के हाईवे, मतलब मैसूर हाईवे पकड़ के हम लोग जा रहे हैं ऊटी। मैं जा रही हूँ ऊटी, तो इस बार बर्थडे ऊटी में मनाएंगे। और बाय द वे बता दूँ, अभी बज रहे हैं सुबह के 7, एकदम मॉर्निंग हम लोग निकले हैं, क्योंकि ऊटी निकलने के लिए आपको सबसे पहले बेंगलोर सिटी से निकल करके मैसूर हाईवे रोड पे आना पड़ता है। फिर मैसूर हाईवे रोड पकड़ के कम से कम 5-6 घंटे आपको लगते हैं ऊटी पहुँचने में बाय रोड। तो थोड़ा सा ये देखो बाहर क्या सुंदर। तो ये तो एज यूजल हो गया है, तो बस अभी आएगा जब हम फॉरेस्ट में एंटर करेंगे, मतलब पूरा जंगल पड़ता है दोनों तरफ। क्या कर रहे हैं? तो हम लोग आ गए खाना खाने, हम लोग अब सुबह के बज रहे 8, हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने। सुबह के बज रहे 9 और हम लोग आ गए हैं खाना खाने। और ये चुप नहीं रहती, गुच्छू देखिए कितना शांति से बैठा हुआ है। हम लोग हैं मैसूर में, तो फिलहाल हम लोग मैसूर आ चुके हैं और बहुत अच्छा मौसम है। पीछे का डेकोरेशन देखिए, यहाँ पे कितना सॉन्ग बजा रहा है बताइए, पर जीजू को नहीं पसंद आ रहा होगा। आपको गाना नहीं पसंद आ रहा है क्योंकि इतना तेज जो बजा रहा है, आप तो 6 के ऊपर सुनते ही नहीं है। लेकिन मस्त लग रहा है, मॉर्निंग वाले ब्रेकफास्ट में कर रही हूँ डोसा, क्योंकि डोसा बेस्ट होता है। क्या कर रहे हो? चाय, गुच्छू कॉफी पीना है। वाह, का देख करके कॉफी ला रहा है। सो चुकी थी क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। और अभी हम मैसूर में, हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं बंदीपुर की तरफ। मैं बार बार कैमरा इधर है, मैं इधर देख रही हूँ, थोड़ा सा ही हो रहा है। तो वहाँ पहुँच के ये देखिए बाइकर लोग, 2-3 बाइकर लोग मेरे सामने सुन रहे, पर यहाँ पे इतने मस्त मस्त बाइकर लोग दिख रहे हैं, सब एक गैंग के हैं वो देखिए, क्योंकि थोड़ा स्पीड इतना चला रहे ना लोग। मैं कोशिश कर रही हूँ रुके। ये देखिए ये है एक बाइकर, तो मेरे को लगा वो बाइकर है दीदी। नहीं मत बोलिए अभी, पता मेरे को लगा, मेरे को सच में लगा कि वो बाइकर है, बट वो कोई आम इंसान था, इसीलिए आम इंसान था। ओके, मेरा फॉल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं एक है आगे, एक पुलिस वाले हैं, एक बाइकर आगे जा रहे हैं, पर वो इतनी स्पीड चला रहे हैं कि मैं उनको मतलब कैप्चर ही। ये कौन है? वो रहे बाइकर। ये लड़का मुझे देख के गए, देखिए ये लड़का रुक गए। अरे ये कौन से बाइकर है पता है? ये देखिए सारे बाइकर जहाँ खाना खा रहे थे ना, हाँ। पीछे बैठे हुए थे सारे। देखिए ये एक बाइकर रुके हुए थे, सामान गिरा था जो भी कहता। एक और बाइकर, देखिए ये दोस्त है इनके, यार जीजू आ ही नहीं रहा है ना, चले गए। एक बाइकर और है, ये देखिए, दिखा 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 थोड़ा दिखा थोड़ा दिखा। क्या कह रही थी, क्या बात बोला? महुआ का ये, महुआ का बताओ, क्या ऐसा बात बोला है?
महुआ का महुआ खाएंगे, इसीलिए मम्मी ना महुआ मदीना जब पी हुई है। कौन से हंसने वाली बात थी अगर हमें बोल दिए? बहुत गंदा मीनिंग है जी, मत बोलो। मेरा जो सबसे ब्रांड का है बाय द वे, बोलो का है मेरे नैना। ये देख रहे हो बाइकर सब नहीं आ रहे। अब आने वाला है बंदीपुर, बहुत ही मतलब घना जंगल है वो, और कहते हैं कि उसमें अगर आप थोड़ा सा मतलब रुक नहीं सकते हो, बीच में अलाउ नहीं करते हैं वो लोग क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है, बट कहते हैं कि उसमें कुछ जानवर दिख जाते हैं, अगर आपका लक अच्छा रहा हो तो दिखेंगे। और बट अभी तो कितने बज रहे हैं? अभी और 30 मिनट्स अभी 30 मिनट नहीं नहीं तो अगर आप अगर नसीब अच्छा रहा तो हमें देखने को मिल जाएगा कुछ ना कुछ, देखते हैं देखने को मिलता है कि नहीं। अभी भी 30 मिनट्स लगे। ये हम लोगों का मेरा है, ये मेरा है सारा। मस्त दिखा है, वाओ ऑसम है, मस्त है। और ये है मेरा बर्थडे केक जो किसी ने दिया है, ये स्पेशल किसी ने दिया है। और ये भी, ये मैं दोनों अपने साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे केक है और ये फूल। नहीं लग रहा बंदीपुर। और हम लोग आ गए हैं बंदीपुर फॉरेस्ट, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है ये देखो। और अब यहाँ से फॉरेस्ट शुरू होता है, हम आपको आगे दिखाएंगे। देखो बंदीपुर शुरू हो गया, बंदीपुर फॉरेस्ट। यहाँ पे रुकते हैं, चेकिंग करते हैं और आपका पास काटेंगे, टोकन देते हैं। अच्छा ओके, ये लोग टोकन देते हैं, आप देख सकते हो सामने बोर्ड है वेलकम। ये पूरा फॉरेस्ट अब स्टार्ट हो गया, बंदीपुर फॉरेस्ट। और इसमें पता है आप रोक नहीं सकते हो गाड़ी कुछ नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं, कहते हैं हाथी भी दिख जाते हैं अगर नसीब अच्छा रहा। हाथी है, टाइगर है, बहुत। और कहते हैं यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी होता है, अगर मेरे कैमरे में कैद हुआ तो मैं दिखाऊंगी। इधर तो अभी नहीं होंगे, अभी भीतर की तरफ होंगे। ये देखिए हिरन कितने सारे दिख रहे हैं, देखो सो वाओ दिख रहे हैं। वो पीछे रह गया, वो रहा हिरन। डियर बहुत सारे दिख रहे हैं, ये पूरा जंगल एरिया। लोग यार धीरे धीरे स्लो स्लो चलाते हैं, पर आप गाड़ी नहीं रोक सकते हो। बट कोई मैं सोच, इसमें रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं कहते हैं लोग। एलिफेंट है ना, हाँ इसको वो केन लेके जाते हैं ना, शुगर केन, तो उसमें से उतार लेते हैं। यहाँ पे रोक करके गाड़ी में से निकलना अलाउड नहीं है। अच्छा मतलब रोक करके आप गाड़ी में से निकल नहीं सकते हो, और आप जंगल सफारी भी कर सकते हो इसमें, उसके अलग चार्जेस देने पड़ते हैं, पर अपनी गाड़ी है तो क्या। अरे ओके, डू नॉट स्टॉप, मतलब अगर आप पे कोई जानवर हमला करता है तो वो नहीं उसके जिम्मेदार। कितना घना है ये देखो व्यू, पीछे पहाड़ है आप देख पा रहे हो, पूरा जंगल, पूरा फॉरेस्ट है। ये देखो हाथी दिख गई, रोकना चाहिए था। देखो ना ये देखिए हाथी, रोक नहीं सकते ना हाथी, देखी देख लो देख लीजिए। हाँ एनिमल लोग का क्रॉसिंग जोन है, इसीलिए मैं हाथी दिखा अभी। बच्चू एलिफेंट है, तुम ली हो ना पिक्चर? हाँ दी देना जी थोड़ा वीडियो ठीक है, और जितना ले पाएंगे। और क्रॉसिंग जोन है देखो, दिख जाए कुछ और। इंसान कैसे बंदर कैसे आदमी बने उसका फोटो बनेगा। मेरे मुसली का इंसान कैसे बंदर बने वो देखिए, तुम्हारा ब्लॉग वो देखिए, मोर मोर बैठा हुआ है वो देखो, ये देखिए जूम कर रही थोड़ा सा। हाँ देखो कुछ पिकॉक है, कुछ देखो बर्ड, उसको दिखाओ, देखो देखो बर्ड, ये देखिए मोर बैठा हुआ है, देखिए
जो कह रहे बंदर तो घरों में दिख जाता है, घरों में दिख जाता है। देखिए सामने एक बैठा हुआ है, भगवान एक शेर दिखा दो बस, एक एक लिपट भी ऐसे बैठा भी रहेगा तो भी, लोट रहा हो तो भी दिखा दो बस। वाव यार ये कितना सुंदर है, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक, एक्चुअली टाइम भी ज्यादा हो गया ना कि मंकी बैठा होगा वो छोटा छोटा मंकी, मंकी दिख गया, बंदर दिख गया, ये देखिए। और ये यहाँ पे एक मेरे पास छोटा सा और एक लेपर्ड, ऊपर ऊपर नहीं दिख रहा, दो दो टाइगर भी, टाइगर दोनों बैठे हुए हैं। ये देखो, ये देखो कितने क्यूट क्यूट है बंदर, छोटा छोटा मंकी देख रहे हो, ये कितना क्यूट है ये वाला बंदर, मंकी। ये सब निकल के यहाँ तो डेंजर है यार, बाहर निकल कैसे अटैक भी कर सकते। और वो देखो एक किलो नमक पहुंचाने जा रहे हैं, पूछ चला गया आगे। ये है कर्नाटक और तमिलनाडु का बॉर्डर और यहाँ पे हो रही है चेकिंग, क्योंकि ये भी पूरा भी जंगल एरिया भी 90 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये जंगल, तो इसके बीचों बीच से होके आपको जाना पड़ता है ऊटी के लिए। ये देखो, देखो हाय हाय, कैसे देख रहा है, क्यों कैसे देख रहे हैं, वाओ कितना क्यूट लग रहा है। इधर भी है जी, ये बहुत दिख रहा है, सुन रहा है, इसमें कुछ बर्तन भी धो रहा है, बर्तन भी धो रहा है, कोई दूध एक राजकुमारी बर्तन धो रही है इसमें, राजकुमार है, राजकुमारी नहीं है जान, मुझे जेंडर ही चेंज कर दे। देख जी देख, देखो कितने सारे मंकी, 30 रुपीस जो मीट, ये सारे डियर्स, वाओ देखना कुछ कितने सारे डियर्स, देख रहे हो आप ये सारे डियर्स, इसका ये इसका सीन देखो, वाओ वाओ कितनी सुंदर सुंदर उसके हॉर्न, ये वाओ एक दौड़ भी रही है, जो देखो भूतिया वो YouTube वीडियो बहुत अच्छा बनेगा। देख लीजिए, हाँ इतनी सारी है, पूरा झुंड है, बहुत बड़ा झुंड है। अब देखो वो पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे बहुत दूर है, कहाँ पे, अरे सामने फोकस करने में टाइम लगेगा, पानी देखने के लिए लोग खड़े हैं, ये देखो एसी में वो सब आते हैं ना एलिफेंट, पर अच्छा मुझे यशराज की मूवी का याद दिला रहा है, ओवरफ्लो करता है, जब ओवरफ्लो करता है ना तो इसमें क्या होता है, लॉग्स वगैरह आते हैं, लोग बह जाते हैं ना, अपना ही दिमाग लगाओ। अच्छा सॉरी बोलिए बोलिए, लकड़ी बहुत सारी बह के आती है, तो वो जब होल्ड करेगी ब्रिज के मेटल में ना तो ब्रिज को खींच ले जाएगी अपने साथ, अच्छा तो इसीलिए इसके साइड में वो नहीं मार्केटिंग नहीं बनाते। वो देखिए पीकॉक कितना सुंदर मोर, देखिए देखो पीकॉक, रुको पापा 2 मिनट रुक जाओ, चलो इतना ये मोर, हाँ बहुत सुंदर, देख रहे हो मोर पीकॉक कितना सुंदर है पापा, दिख रहा तुमको, सुंदर लग रहा है, मारी बड़ा में नाचे मोर, हो गया इसके पास जा रही है वो। ये देखिए हमें क्या दिखा, हमें गैया माँ काऊ दिख गई जंगल में, गाय माता, और उसको भी देखने के लिए इतने लोग खड़े हैं, देखिए ये देखिए काऊ दिख गई हमें, ये देखिए यहाँ पे सफारी मिलती है, आप जा सकते हो जंगल के अंदर ले जाते हैं ये, आप उसे पूरा दिखाते हैं आपको, पर हमारे साथ गुच्चू है तो हम लोग क्या सुंदर आ रहा है, ये देखिए तुमको इधर से इधर देखने में कौन सा, वाह पापा रिकॉर्ड कर लो थोड़ा सा, देख रहे हैं आप लोग ये व्यू कितना सुंदर जगह है यार, और मैं पहाड़ों के बीच, मैं पहाड़ों के किले ऊंचाई में, मुझे उस दिन उस हवा में इश्क था, वाह वाह वाह।
इश्क मुश्क और वाओ कितना सुंदर आ रहा है। यहाँ की सड़कें देख रहे हो, यहाँ की सड़कें बहुत सुंदर है, लेकिन सामने का व्यू भी बहुत सुंदर है और बीच में गन्नू महाराज वाओ। मैंने देखी केक का क्या हाल, दिखा। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मैं इस पर चढ़ गई पूरी तरह से। सॉरी जिसने भी दिया सॉरी, पर मेरा जूही लिखा होगा ना, जूहू लिखा होगा। सॉरी बाबू बाबू नहीं, वाह कुर्ग नहीं है, ऊटी है। हमारे जैसा ही ब्लॉगर हो ना। वाह 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 गुच्चू वाह, हम लोग इस पे जा रहे हैं। गुच्चू सर से कहाँ जा रहे हैं? ना मेरा रुको जी, मेरा हाथ भी पकड़े हुए ना, आता है ना तुम इसको पकड़ो, पीछे पड़ेगा तब फिर पीछे बैठ जाना, पीछे से रिकॉर्ड करना कि हम आपको रिवर्स क्रोनोलॉजी में दिखाते हैं। कितनी सुंदर, ये देखो कितना सुंदर है, उसमें गाय भी दिख रही है मेरे को ना। ये लो जो ये स्ट्रीट लो दे जो ये चले स्विट्जरलैंड। तो क्या हो गया, यू एंजॉय द जर्नी रादर देन डेस्टिनेशन। अब जिगजैग एरो वाले रास्ते शुरू हो गए हैं, और ये देखिए जिगजैग, अब हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं ऊपर की तरफ। यहाँ की एयर इतनी फ्रेश है, ठंडी ठंडी हवा है बिल्कुल, ये शहरों में आपको देखने को नहीं मिलता। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा, इतनी फ्रेश एयर है ना, सब फोटो की क्लिक करवा रहे हैं यहाँ पे। और ये है पाइन फॉरेस्ट, पाइन फॉरेस्ट है। तो ये ऊटी बहुत अच्छा मौसम हो रखा है और बहुत ठंडा भी है और बहुत मज़ा आ रहा है। चढ़ाई ख़त्म हो चुकी है और हम आ चुके हैं, उतनी स्टीप नहीं है, क्या कम दूरी में बहुत। और ये देखिए हम आ चुके हैं क्वीन ऑफ हिल्स में, वाओ देख रहे हो, ये यहाँ सब डेवलप हो रहे हैं, नए नए होटल्स बन रहे हैं, बहुत सब मतलब बहुत नए नए होटल बहुत सारे बन रहे हैं। वो आप देख रहे हो वो वाली बिल्डिंग, ये वाली, सॉरी मैं उंगली कहाँ देख रहा हूँ। और जबकि हम लोग ऑफ सीजन में भी आए हैं, जबकि हम लोग ऑफ सीजन में आए हैं।